नमस्ते, मैं हूं सुपरमार्केट वाला दामोदर माल और हम कर रहे हैं ट्रॉली पे चर्चा। हमारे घर की जो सब चीज़ें जो हम खरीदते हैं, हींग से लेके हनी से लेके हेयर कलर तक, उस हर एक एक चीज़ की बात करना, उसके पीछे के छोटे छोटे नुस्खे जानना, उसकी हिस्ट्री जानना, उसकी कहानी जानना, इसी का नाम है ट्रॉली पे चर्चा। और आज हम ट्रॉली पे चर्चा लेके आए हैं शेफ हरपाल सिंह सोखी के अपने किचन में। तो शेफ नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। शेफ आज मैं एक आपको बताता हूँ कि आपके वीडियोस देख देख के लोग नई नई चीजें बनाने की कोशिश करते हैं जी, और ब्रांड्स और हम लोग मिलके उसके रेडी मिक्सेस बेचते हैं। क्या बात है ना, वो रवा इडली मिक्स और बासुंदी मिक्स और पता नहीं क्या क्या जी। तो मैं आपको एक सुपरमार्केट वाला बात बताता हूँ कि हमारी स्टोर में सारे मिक्सेस एक तरफ जी, और गुलाब जामुन मिक्स एक तरफ, इतनी सेल है गुलाब जामुन एक अकेले का पलड़ा, बाकी सब चीजों के से ज्यादा भारी चलता जी, है जी। तो आज सोचा मैं आपसे गुलाब जामुन की बात करें। ऐसा इसमें क्या खास है कि मेरे एक चाचा जी हैं, उनको शुगर की तकलीफ है जी। वो बोलते हैं पहले गुलाब जामुन खाऊंगा उसके बाद फीकी चाय पीऊंगा। बिल्कुल। तो ये ऐसे ऐसे क्या चीज है जो ये गुलाब जामुन में खास है? बिल्कुल सर, चले सबसे पहले तो आपने वो जो बताया ना कि सारे मिक्सेस एक तरफ और गुलाब जामुन का मिक्स एक तरफ, ये वो वाला प्यार है कि सारी दुनिया एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ, ये वो वाली कहानी है। बिल्कुल है ना, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहले क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग प्रीमिक्स की बातें करते हैं? पुराने जमाने की हलवाइयों की बातें सुन लेते हैं, ठीक है ना सर। वो क्या, जब मैं भी शेफ था तो क्या हरियाली मावा लेके आना, अब ये कंफ्यूजन की बॉस मावा तो मावा, ये हरियाली मावा क्या है, ठीक है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन और बैरियर कहाँ क्रिएट कर दी ये शब्द ने, ठीक है। नॉर्मल गुलाब जामुन जो है नॉर्मल मावा से भी बन जाता है, आप लेके आइए बना लीजिए, आप कलाकार है तो। लेकिन हलवाई ने एक बैरियर क्रिएट कर दी, हरियाली मावा लेके आए। तो ये जो चलन चला है इससे लोगों को डर बैठा दिया कि बॉस ये आसानी से नहीं बनेगा, और ज्यादातर जब बनाते हैं लोग तो बैठ जाता है अंदर, दब जाता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। लोग कहते हैं कि हमने सामान लेके आए और उसके बाद ये दिक्कत हो, तो लोग प्रीमिक्सेस की तरफ इसीलिए बढ़े कि हमें सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि कोई इंसान अगर पैसा टाइम इन्वेस्ट करता है किचन में, उसे रिजल्ट दिखाना, क्योंकि एक गृहिणी के लिए किचन में फेल होना मतलब अनिवार्य है, नहीं हो सकता है उसके लिए, फेलियर इज अ बिग ड्रॉबैक। आजकल नहीं होता जी, बिल्कुल। पहले तो आपकी हमारी माँ कभी कभी तो इडली भी फ्लैट हो जाती थी, ढोकले भी हमने खाए, अब तो फेल नहीं हो सकता, बच्चे नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो ये बात, इसलिए प्रीमिक्सेस का चलन चला है। लोग कहते हैं कि चलो एक सोल्यूशन इसमें, अगर उन्होंने कहा कि थोड़ा तेल डाल लेना, थोड़ा पानी डाल लेना हर प्रीमिक्स, जैसे कि ये प्रीमिक्स भी कह रहा है कि थोड़ा तेल डालिए, पानी डाल दीजिए और उसके बाद गूंद के आप बना लीजिए, आपको सक्सेस एटलीस्ट 95% तो मिल ही जाती है, ठीक है ना। वो उस कारण ये प्रीमिक्स से चलते हैं। और गुलाब जामुन की जहाँ बात आती है सर, स्टोरी अगर देखें तो दुनिया में या हिंदुस्तान में सबसे पहले सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्वीट जो है वो गुलाब जामुन है। आप कहीं भी चले जाएं, अगर स्वीट एक एक नेशनल स्वीट हम कहें ना, तो वो गुलाब जामुन है। उसके बाद बाकी सारे स्वीट्स आते हैं, क्योंकि सबको एक्सेप्टेबल है, सबके लिए एक्सेप्टेबल है। मजे वाली बात क्या है सर, आपको वो बताता हूँ। गुलाब जामुन अब इतने प्रकार से बनते हैं कि ये खुद मैं हैरान रहता हूँ कि ये क्या भैया, ये कहाँ से कहाँ। आदमी सीखे तो सीखे क्या, वहां पे भी ये बैरियर कंट्रोल कर देता आपका प्रीमिक्स, स्टैंडर्डाइज हो जाता है एटलीस्ट। क्योंकि हम जब एक बार कानपुर गए तो लोगों ने हमें बोला कि एक ब्रांड है सर देहाती करके, एकदम रुआबदार ब्रांड है, वो बंदा जो है एक्चुअली देहाती है, अपने मनमर्जी से चलता है। सब ने कहा कि उसके यहाँ जाके गुलाब जामुन खाना, उसके यहाँ जाके रसगुल्ला खाना, ये मुझे पता है। तो हम चले गए, 3 बजे गए तो भाई दुकान बंद हो गई सब, अब उसका सोने का टाइम है। फिर 5 बजे गए तो उसने रसगुल्ला दिया, दोने में रसगुल्ला, तो हमने उसको देख के, हमने ये रसगुल्ला तो नहीं गुलाब जामुन है सर, कानपुर में इसे रसगुल्ला कहते हैं। अच्छा आया सर ये बड़ा साइज, क्योंकि गुलाब जामुन की दिक्कत है अगर साइज इतना बड़ा हो गया, मतलब ये समझिए या तो उसमें फ्लावर ज्यादा है, ठीक है, उसमें मावा कम है, तभी जाके उसका साइज बड़ा है, तभी वो स्फीयर जो है ठीक बनता है। लेकिन वो भाई साहब का मावा से बनता है सर, और ये साइज, और खाएं तो अंदर मतलब होंठ देखते रह जाते, दांत जो है
वो देखते रह जाते हैं, होंठ जो है गायब कर जाते हैं। तो ये कहानी, और हर जगह जाएं तो ये आपको अलग कहानी दिखती। कहीं पे जो मिश्रण है वो पनीर, सूजी, मैदा, थोड़ा मावा, कहीं सिर्फ मावा मिलता है उसमें मैदा मिलता है, थोड़ा पनीर, कहीं सिर्फ मावा और मैदा। तो ये इतने कॉम्बिनेशंस जो हैं, ये हर एक कलाकार के कॉम्बिनेशन है। ईस्ट में अलग होता है, फिर मैंने काला जामुन सुना है। वो तो मतलब वो इसके कई भाई बहन है सर, हाँ, इसके बहुत सारे भाई बहन है। और सबसे मजे वाली बात, एक और स्टोरी बताता हूँ कि देखिए, ये जो गुलाब जामुन है, इसके जैसे आपने बताया भाई बहन के हिसाब से मैं देखूँ तो काला जामुन है, पंतुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वेस्ट बंगाल में, उसे कहते हैं लेडी केनी। अब लेडी केनी जो है, लेडी केनी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग की वाइफ जब पहली बार हिंदुस्तान आई तो वहाँ एक जो कलाकार थे, जो हलवाई थे, उनके उनका नाम शायद रामचरण दास ऐसा नाम था शायद, वो बंदे को बोला गया कि भाई इनको खुश करने के लिए आप स्पेशल डेजर्ट बनाइए। तो उन्होंने इसी गुलाब जामुन को लंबा शेप दे दिया और ये लेडी केनी, लेडी कैनिंग के नाम से उनको दिया। लेडी कैनिंग ने हर एक बैंक्वेट में उसके बाद, ब्रिटिशर्स के बैंक्वेट में, वो गुलाब जामुन परोसने की बात कर दी। वो धीरे धीरे लेडी कैनिंग से लेडी केनी बन गई। आज भी आप वेस्ट बंगाल जाइए तो आपको लेडी कैनी बोलेंगे तो गुलाब जामुन ऐसा लंबा सा मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे वैरायटी है। काला जामुन देखिए, उसे इतना मतलब पकाया जाता है कि वो उसे काला किया जाता है, और उसे बहुत अलग अलग प्रकार से निकाला जाता है। तमिलनाडु में उसी काला जामुन को आप जब निकाल देते हैं, एक विलेज है सिर्फ उसके लिए जाना जाता है, काला जामुन को निकाल के नारियल का बुरादा ऊपर लगाते हैं। ओ, तो नारियल भी आ गया, हाँ, नारियल आ गया वहाँ पे, ये अलग कॉम्बिनेशन है। तो ये ऊपर से डाल के वो बेचते हैं। अच्छा, वो तमिलनाडु में गांव है, वो गांव सिर्फ इसी के लिए जाना जाता है। तो ऐसे हमारे गुलाब जामुन जो है हर एक जगह बसे हुए हैं। शिमला में मतलब ये समझिए कि जैसे लोगों को टाइम पास क्या है कि चलो यार चार यार मिल गए तो हम चाय पी लेते हैं, शिमला में वहाँ बर्फ पड़ी तो चलो यार गुलाब जामुन खा लेते हैं। तो ये एक अच्छा चलन है, तो सबके लिए सर इंटरेस्टिंग है। और ये जो प्रीमिक्स है ये बैरियर कंट्रोल करता है, स्पेशली फॉर अ हाउसवाइफ ये एक बैरियर कंट्रोल, गलती नहीं होने देता। जैसा बिल्कुल जैसे कि आजकल इडली डोसा बैटर से होने लग गया है कि वो इडली तो फूलेगी ही फूलेगी, वैसे ये बिल्कुल ये यहाँ पे ब्रांड है देसी किचन, इनके इनके जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ओरिजिनल ब्रांड इसमें इस देश में गिट्स नाम का एक ब्रांड है, बहुत पॉपुलर सर। पूरी स्टोरी ऑफ प्री मिक्सेस जो है उन्होंने ये किया है, एक्चुअली सबको उन्होंने ही सिखाया कि भाई गुलाब जामुन प्री मिक्स उनका सबसे ज़्यादा फेमस था, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे थे, वो एक्चुअली पायनियर्स हैं इसमें मैं कहूँगा। हाँ, तो मैं देखता हूँ कि उस जमाने में ब्रांड में प्री मिक्स में गिट्स और शेफ में बुरा ना माने एक मैडम होती थी तरला दलाल, जिन्होंने जिन्होंने सिखाया जिन्होंने सिखाया और एस सी एंड मधुर जाफरी जी जिनको अभी पद्म भूषण मिला है, तो ये दोनों मदर ऑफ कुकिंग थे। इनकी रेसिपीज हम देखते थे, तो उस समय सर ट्रैवल बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी, ट्रैवल भी कर सकते थे, यहाँ वहाँ जा सकते थे, हम रेस्टोरेंट में गए बंद गए। और ये गुलाब जामुन तो मतलब सीखना, हलवाई के पास सीखना जाके मतलब बहुत मुश्किल है। एक स्टैंडर्ड रेसिपी मैं आपको बताता हूँ सर, बड़ी स्टैंडर्ड रेसिपी, कोई फेल नहीं हो सकता, प्रीमिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक किलो मावा लेते हैं, 250 ग्राम पनीर लेते हैं, 250 ग्राम मैदा लेते हैं, थोड़ा सा टी स्पून आधा अगर आप बेकिंग पाउडर लेते हैं और पानी छिड़क के आप अगर बना देते हैं मावा, तो आप कभी गुलाब जामुन बनाने से फेल नहीं होंगे। दोनों चीज़ें हैं, फ्रेश की भी बात मैंने कर ली सर, ये भी है, लेकिन गुलाब जामुन के बहुत सारे अवतार हैं। और आजकल नए शेफ्स हम लोग सर पता नहीं पान के गुलाब जामुन और क्या क्या करते हैं। तो एक वैल्यू एडिशन बताइए, एक नुस्खा बताइए जिसमें गुलाब जामुन में मैं मिक्स लेके बना रहा हूँ और उसमें ट्विस्ट आ जाए। सर एक बड़ा सिंपल है, हाँ, बताइए। देखिए लोग क्या है, प्राइस कॉन्शियस भी रहते हैं, तो इस चक्कर में आप प्राइस कंट्रोल करने के लिए आप फ्लेवर एडिशन नहीं करते हैं। मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। देखिए मेरे पास दो कटोरियाँ हैं, ये मैं रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़े चम्मच निकाल लेता हूँ। ये देखिए, अब ये आपने गुलाब जामुन लिए, ठीक है जी, अगर समझिए ये प्री मिक्स ही है, ठीक है। अब ये दो गुलाब जामुन ले लिए हमने, ठीक है जी, ये आपके लिए रख लेता हूँ। ये मेरे पास बहुत सुंदर सा सैफरन सिरप है, सैफरन सिरप है, अच्छा, ये डाल दें, सैफरन के लच्छे तो सुने थे, सैफरन सिरप है देखिए। अब ये तो प्री मिक्स का सिरप है, अगर लोग थोड़ा सा ये फ्रेश
सैफरन जो है ये ले लें थोड़ा सा, और ये प्री मिक्स में डाल दें या ये सिरप अलग से पाउच में दे दें, तो देखिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और ये प्री मिक्स में अगर वो ये करें कि थोड़ा सा पिस्ताचो, थोड़ा सा सैफरन और थोड़ा सा एसेंस डाल के दे दें तो अलग ही फ्लेवर आ जाएगा। मतलब आपने गुलाब जामुन बना लिए उसके बाद ये ऊपर से डाल दीजिए, तो ये बात आपकी भी रहेगी कि फ्रेशनेस आ गई, नई चीज़ें डल गई है और गुलाब जामुन को एक नया अवतार मिल गया। आपका प्री मिक्स आपको आपको रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी देगा जी। और ये आपने उसमें अपना थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया। बिल्कुल सर। आपने बोला कि थोड़ा सा पिस्ताचू डालें, थोड़ा सा सैफरन डालें, तो इससे बन जाएगा बढ़िया। बिल्कुल सर। अब मैं जैसे ही ये कैमरा बंद होगा ना, मैं अपना वाला हिस्सा कैमरा बंद होने पे करिएगा, मैं तो अभी करूंगा क्योंकि मैं खाने पीने की दुनिया से बिलोंग करता हूं सर। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं सर, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं आपको बताता हूं सर कैसा है टेस्ट। चलो अचानक से सैफरन हैज टेकन द लेवल अप है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये जब कोई करता है तो सिंपल आई थिंक अच्छा क्या होता है आजकल के हिसाब से, सिंपल चीजें हों जिससे क्रिएटिविटी आए तो मजा आता है। जिनको समझ में आनी चाहिए सर, सामने वाले गृहिणी को समझ में आनी चाहिए। अगर उसे समझ में आ गया तो वो जरूर अपनाएगी और ये कहेगी कि भाई ये बढ़िया है, पैसे खर्चा करने में भी वो हिचकिचाएगी। चलिए अब अभी तक तो मैंने आपसे पूछा जी, अब मैं आपको एक चांस देता हूँ जी कि ये गुलाब जामुन के आसपास आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई चीज़ है जो हम सुपरमार्केट वाला लोग करें या हम ब्रांड वाले लोग करें, ऐसे कोई इच्छा है? सर मैंने जैसे बताया कि भाई बिल्कुल इसमें एक नया फ्लेवर आ जाए बिल्कुल तो बहुत बढ़िया होगा। अगर अब वो फ्लेवर अगर आपने डाल दिया तो गुलाब जामुन अपने आप में एक रूप है, उसके एक्सटेंशन बन जाएंगे और इंडिविजुअल छोटे पैक्स में लोगों को मिल जाए तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। इंडिविजुअल छोटे पैक, हाँ बड़ा मजा आएगा लोगों को सर। लोग ये समझते कि एक साथ 40 क्यों बनाए, जब इच्छा हुई खोल के खा लिए। हाँ तो ये सही बात है, मतलब आपकी बात में मैं मेरी समझ में दम है क्योंकि अगर मैं मिक्स से बनाता हूँ तो घर में सबको खाना पड़ता है जी। मैं रेडी गुलाब जामुन का टीना भी अगर खोलता हूँ जी तो उसमें कई सारे होते सर, तो डिनर में भी खाना पड़ेगा, लंच में भी खाना पड़ेगा। आपने बोला सिंगल पैक जी, उससे तो अगर एक को गुलाब जामुन पसंद है दूसरे को कुछ और पसंद है तो ये तो आइसक्रीम की तरह हो गया। बिल्कुल तुम्हारा बटरस्कॉच मेरा स्ट्रॉबेरी। बिल्कुल सर, वो मतलब आपने एक गुलाब जामुन खाना, आपने आइसक्रीम खाना, आप खाइए, मैं एक गुलाब जामुन ही खाऊंगा, नहीं तो वो टिन जो है वो पड़ा रहता, खुल गया तो दिक्कत। चलिए ये आपकी बात मैंने रख ली जेब में। अब हमारे सारे दोस्त हैं जिनके साथ हम मिल के ब्रांड्स वाले ना, उनके सबके साथ हम मिल के काम करते हैं। हल्दीराम है, ईस्ट में प्रभु जी हैं, साउथ में ए टू बी हैं, फिर भावनगर से क्रेव वाले हैं, बीकाजी बीकानू, इन सबको मैं खुली चुनौती देता हूँ कि ये आपने जो बोला सिंगल सर्व, एक टब में दो गुलाब जामुन, दो रसगुल्ले, सबको मिले ताकि सब लोग दिल खोल के खाएं। मैं सोचता हूँ ये लोग जिस तरह से हमारे साथ काम करते हैं सब ब्रांड्स, अगले दो महीने में ये चीज आपको हमारे सुपरमार्केट में मिल जाएगी। सर टिन खरीदने में दिक्कत आती है ना सर, इंडिविजुअल खरीदने में हिचकिचाहट नहीं होती। बहुत सिंपल सी आइडिया है और ये बनता है, इतना तो बनता है आपके लिए, आपके सेशन के लिए इतना तो बनता है। चलिए हम करके दिखाएंगे।